आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगी राजस्थान पुलिस होमगार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में। तो भर्ती में कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, आज इसकी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से लेंगे। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक ओपन करके आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी। जानकारी के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलती हूँ, gayatrijobs.com पे, जो राजस्थान पुलिस होमगार्ड की भर्ती है उसकी जानकारी, जो 2500 वैकेंसी पोस्ट इसमें रिलीज कर दी गई हैं कंसर्न डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। आप सब 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान नोटिफिकेशन जो डिटेल्स हैं, डिपार्टमेंट का नाम राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है और स्टार्टिंग डेट 10 जून है, लास्ट डेट 9 जुलाई है। जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। वैकेंस पोस्ट का नाम होमगार्ड है, टोटल वैकेंस पोस्ट 2500 है। लिमिटेशन ऑफ एज एज ऑन 1 अप्रैल 2020, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। सैलरी जो होगी स्केल वो होमगार्ड की तो 693 डे एंड ग्रेड 4 की 590 डे। एंड जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस चाहिए, एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस, तो 8 क्लास पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, द एप्लीकेंट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द अबाउ शेयर्ड होमगार्ड्स वैकेंस पोस्ट फॉर गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र उपकेंद्र सीमा गृह रक्षा कंपनी, दे शुड हैव द फ्लोइंग एलिजिबिलिटी। उस नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील, नगर पालिका क्षेत्र के वर्तमान पते पर कम से कम 3 वर्ष पर से निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजपत्री अधिकारी द्वारा राज्य जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट 200 रुपीज़, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैंडिडेट 175 रुपीज़। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट पे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा। मापदंड सामान्य क्षेत्र 12 जिले के सहायता हेतु, जो पुरुष महिला के द्वारा हमने न्यूनतम ऊंचाई की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है, आप चेक कर सकते हैं। तो वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, अलवर जो है 292, बाड़मेर शहर की 20, अब होगा बाड़मेर की 25, बारा की 46, भरतपुर की 115, चित्तौड़गढ़ की 91, दौसा की 34, धौलपुर की 34 और श्रीनगर गंगानगर की 58। इस तरह से एक्स्ट्रा पूरी इन्फॉर्मेशन दी हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट अप्रिंग, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एप्टीट्यूड टाइम के टाइम, जो भी उसके टेस्ट के टाइम, तो आपका प्लीज़ ब्रिंग द एडमिट कार्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट के टाइम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए एंड इस तरह से एक्स्ट्रा पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अवेलेबल होगा फॉर्म का जो लिंक अप्लाई ऑनलाइन का, वो 10 जून में अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियल लिंक को ओपन करके लास्ट डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।